अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द Z5 ऐप राइट नाउ। मुझे तो लगता है कि ये दोनों भाइयों की मिली भगत है। उठो हवलदार, हथकड़ी लगाओ। मुझे जाने दीजिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर। कितना बड़ा कांड करके सिटी छोड़ने की प्लानिंग है तुम्हारी। अपनी होने वाली बीवी का रेप करके देश से भागने के जुर्म में आप अंडर अरेस्ट हैं मिस्टर कुणाल गोयनका। अनुज टी-शर्ट उतार। क्या बात है लड़की, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मामा, मैंने अनुज के पीठ पर स्क्रैच देखा था। मेरी ननद का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई अनुज है। कांच के टुकड़े, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है। मैडम, पूजा, टेलर का है। मास्टर जी के साथ कोर्ट आ रही थी। इसका मतलब गुनहगार अनुज नहीं, कोई और है पूजा। इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। के पीछे नरेंद्र व्यास के साले साहब हैं। अगर आज वो कोर्ट में दोषी करार होते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। नरेंद्र व्यास का परिवार तो पहले से ही 2 खंबे में बटा हुआ है। अब देखना ये है कि पूजा व्यास का ससुराल जीतेगा या मायका। मिस्टर व्यास, आपका साला ही मेघना जी का गुनहगार निकला, तो क्या आप उन्हें सजा दिलवा पाएंगे? मेघना के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कोई रिश्ता इंसाफ के रास्ते नहीं आएगा। कुछ लड़कियां सिर्फ घर तोड़ती हैं। पहले सू और जीजू के बीच की दरार थी, अब नरेन और पूजा को अलग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलू। नरेन पूजा दोनों बहुत समझदार हैं। उनका रिश्ता कई तूफानों से गुजर चुका है, इससे भी वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर अनुज को सजा हुई तो इस बार नरेन और पूजा व्यास मेंशन से साथ गए तो थे, लेकिन मुझे डर है कि शायद साथ ना लौटे। अचानक गाड़ी को क्या हुआ? मैं देखती हूँ। कांच के टुकड़े, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है। Look at this चीज़। आजकल की बहूस, कोई शर्म ही नहीं। भाई ने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया है, तो ये मुंह उठाकर घर लौट कर आ गए। कैसा भाई है तुम्हारा, अपनी सिस्टर के घर को भी नहीं छोड़ा। चाची प्लीज, अब पूरी बात जाने बिना ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा, तो अब भी कुछ जानने कहने के लिए बचा है नरे। इसके भाई के कर्म ने तो हमारे खानदान का नाम शर्म से नीचे कर दिया। और घर की बहू के साथ इस तरह बात करना तो बहुत सर ऊंचा करने वाला काम है ना? ओ प्लीज बाबूजी। नरेश सर लौट आए। ये देखिए, इनकी गाड़ी। मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। गुप्ता जी, आपको एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? आपके बेटे का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए प्लीज भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़िए। हरीश जी, मेरा मन जानता है और इस बात को मानता है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह है। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी दरखास्त करने आया था, किसी भी तरह ऊपर की अदालत में हम एक तारीख दिलवा दीजिए, वहां हम इस केस के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, और कुछ नहीं तो मेरे अनुज के होने वाले बच्चे के लिए दया कर दीजिए। हरीश बाबू, माफ कीजिए गुप्ता जी, लेकिन ये सब आपके बेटे को ऐसी ओछी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि हार्दिक ने आपको घर से जाते हुए देख लिया, वरना आप तो हमारे नरेंद्र को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते। हरीश बाबू, अब तक एक समझी होने के नाते मैं आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है ये शालीनता आपकी समझ के बाहर है। कोई गुनाह नहीं किया मेरे बेटे ने, और किसी और के जुर्म की सजा मैं उसे भुगतने नहीं दूंगा। आवाज दीजिए गुप्ता। मामा और पापा की आवाज। लेकिन वो दोनों यहाँ कैसे? पूजा, पूजा उन्हें हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता चल सकता। हम बाकी सेट से निकलते। अच्छा, बैकडोर खोलो, बैकडोर खोलो। चलो, इससे पहले नरेश सर मुझे मार डाले, मैं ही। आप तो इस वक्त मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, हमेशा तुम्हें बराबर की इज्जत दी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। I will not leave you. Narendra, please. इंस्पेक्टर, आप ही रोकिए नरेंद्र को। Enough. क्या बात है नरेंद्र? दानिश को किस बात की सजा दे रहे हो? दानिश को नहीं, खुद को सजा दे रहा हूं दादाजी। किसी पर इतना भरोसा जो किया था, और इसने हम सबका भरोसा तोड़ा है। और मेघना के सॉरी एवरीवन, लेकिन मेघना का असली गुनहगार अब तक आजाद घूम रहा है, और अब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता, तब तक इस शगुन की थाल को इंतजार करना होगा। मैं और मेरे हस्बैंड इस सच्चाई की लड़ाई में मेघना के साथ हैं, और इस बार हम मुजरिम को हथकड़ी पहनाकर ही चैन लेंगे। मेरा सुहाग खतरे में, माँ प्लीज, माँ प्लीज खोलिए ना दरवाजा, बाहर आइए। क्यों? अच्छा। पंजा में छोड़ा। लाइन में क्यों घुस रहा है? और ना तू खून के लिए क्या सजा मिलती? फांसी, है ना? और अगर मैं तुम सबको मार दूं तो क्या सजा मिली? ये बोलना, फांसी। तो अब मैं तुम सब लोगों को मारने वाला हूं। अरे ओ गुंडे भाई 7 साल तक जिस प्रज्ञा से अभी दूर रहा है, उस मुसीबत को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। इस बार ये प्रज्ञा मेरा और अभी का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। अभी और प्रज्ञा कभी नहीं मिल सकते।